चंपकपुर नाम का एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में कालू कौवे का परिवार रहता था। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ही ज्यादा शातिर थे। रानी, आज तो मीठा मीठा हलवा खाने का दिल चाह रहा है, तुम आज भोजन में गाजर का हलवा बना लो। अरे क्या हुआ रानी, आखिर ऐसी कौन सी फरमाइश है तुम्हारी जो मैंने पूरी नहीं की? कालू जी, मैं अपने मायके से इतने सारे सोने के गहने लाई थी, पर आपने मेरे सारे सोने के जेवर बेच कर ये घर ले लिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। रानी, उस समय हमें पैसों की जरूरत थी और गहने तो मुश्किल अपने ही काम आते हैं, और मैंने तुमसे कहा तो था जब मेरा काम चलने लगेगा तो मैं तुम्हें सारे सोने के गहने दोबारा से दिला दूंगा। बस कालू जी, मुझे नहीं पता, आप मुझे मेरे सोने के गहने वापसी ला कर दे ताकि मैं उसे पहन के पूरे जंगल में घूम सकूं। नहीं नहीं रानी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें महंगे महंगे सोने के सेट दिला सकूं। तुम कुछ समय और रुको। बस कालू जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक सोने का हार ला के दे, नहीं तो मैं आपकी शिकायत अपने मायके में कर दूंगी अपने भाई से, और फिर आप मेरे भाई को जानते तो है ना कि मेरा भाई आपको उठा उठा के पटकेगा। नहीं नहीं रानी, तुम्हारे भाई से तो मैं दो बार पिट चुका हूँ, मैं तुम्हें कहीं से भी सोने का हार ला कर दे दूंगा, बस तुम ये बात अपने भाई को नहीं बताना। ठीक है ठीक है, जाओ फिर जल्दी और मेरे लिए सोने का हार लेकर आओ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे कालू कौवा, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ कहने चाहिए? बबलू कौवे, तुम्हें पता है ना मेरे हालात अभी कुछ अच्छे नहीं है, और तो और मेरी रानी कौवे मुझसे जिद कर रही है कि उसे एक बढ़िया सा सोने का हार चाहिए। अब तुम्हें बताओ ना, मैं इतनी गरीबी में उसे सोने का हार कहाँ से लाके दूंगा? कालू कौवे, ये पत्नियाँ बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसलिए मैंने अभी तक शादी ही नहीं की है, सारे परेशानियों से आजाद हूँ मैं। हाँ हाँ बबलू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु मैं इतना महंगा सोने का हार कैसे खरीदूंगा? कालू कौवे, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसे ही करो, मेरे पास असली सोने के हार के साथ साथ नकली सोने के भी हार होते हैं। तुम रानी कौवी को नकली सोने का हार ले जाकर दे दो, उसको कौन सा पता चलेगा कि ये असली है या नकली। देवा बबलू कौवे, क्या उपाय निकाला है, बस अब तुम जल्दी से मुझे एक नकली सोने का हार दे दो। बबलू कौवा कालू कौवे को एक नकली सोने का हार दे देता है। अरे वाह बबलू कौवे, ये तो बिल्कुल सोने का हार लग रहा है, अब मैं चलता हूँ, रानी कौवे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी ये देखकर। तो ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी रानी कौवे के पास आता है और रानी कौवे को वह सोने का हार दिखाता है। बस रानी, अब तुम मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि मैंने अपना वादा जो पूरा कर दिया है। हाँ कालू जी, आप बहुत अच्छे हैं और ये हाल भी बहुत अच्छा है, अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी और आपकी शिकायत अपने भाई से कभी भी नहीं करूंगी। ये सारी पत्नियाँ एक जैसी ही होती हैं, सोने का हार देखकर खुशम खुश हो जाती है और सारी पुरानी बातें भूल जाती है। अगली सुबह हो जाती है, रानी कौवी नकली सोने का हार पहनकर अपने दोस्तों के पास आती है। अरे पक्षियों ने देखो, कहीं काली जी ने इतना महंगा सोने का हार दिलाया है, देखो देखो तुम सबके पास है। अरे रानी कौवी, ये तो बहुत सुंदर है और ये तो काफी महंगा भी लग रहा है। रानी कौवी, कालू कौवे ने अपना वादा पूरा कर ही दिया।
और तुम्हें सोने का एक बढ़िया सा दिला ही दिया। कोयल बहन, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ और ये सोने का हार मैं अपने गले में हमेशा पहने रहूंगी, कभी भी नहीं उतारूंगी। इनु चिड़िया रानी कभी का सोने का हार गौर से देखती है और कहती है, रानी कभी, ये जो तुम्हारे मेरे गले में हार है ये तो एकदम एक जैसा है और तुम्हें पता है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। इसका मतलब मीनू चिड़िया, कालू जी ने मेरे लिए बहुत ही महंगा सोने का हार लिया है। हाय कालू जी कितने अच्छे हैं। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि मीनू चिड़िया की तरह तुम्हारा हार क्यों नहीं चमक रहा रानी कभी? कहीं गहने बेचने वाले ने कालू जी को नकली सोने का हार तो नहीं दे दिया ना? बुलबुल की बात सुनकर रानी कभी काफी परेशान हो जाती है और वे वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आज आपने मेरी बहुत ज्यादा ही दोस्ती करवाई है। मेरा और मीनू चिड़िया का हार एक जैसा ही था, पर उसका हार चमक रहा था बहुत ज्यादा और मेरा नहीं। चले आप मेरे साथ जहाँ से आपने ये सोने का हार लिया है उसे जाके दिखाते हैं। रानी कभी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे रानी, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैं फिर भी तुम्हें बबलू सुनार के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम बबलू सुनार के पास नहीं, जग्गू सुनार के पास जाएंगे। अरे रानी कभी क्या कह रही है, अगर ये जग्गू सुनार के पास गई तो वो तो सब बता देगा कि ये हार नकली है। रानी, मेरा पेट, मेरे पेट में अचानक बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। अरे रे, मेरा पेट। अच्छा अच्छा कालू जी, आप आराम कीजिए, हम कल चलेंगे। रात हो जाती है, कालू कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। अरे यार, क्या करूँ मैं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, मैं रानी कबरी का नकली हार मीनू चिड़िया के असली हार से बदल देता हूँ। मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा। फिर कालू कौवा रानी कबरी का नकली हार लेकर मीनू चिड़िया के घर चला जाता है। मीनू चिड़िया ने भी अपने सोने का हार उतार के रखा हुआ है। चलो जल्दी से बदल देता हूँ। फिर कालू कौवा अपना नकली हार मीनू चिड़िया के घोंसले में रख देता है। वो मीनू चिड़िया का असली हार अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हो जाती है, कालू कौवा और रानी कौवी जग्गू सुनार की दुकान पर आते हैं। रानी कौवी, ये सोने का हार तो काफी अच्छा है और काफी महंगा है, ये असली हार है। अगर तुम्हें इसे बेचना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा। जग्गू सुनार की बात सुनकर रानी कभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया जब अपने सोने के हार को देखती है तो कहती है, हाय रे, ये सोने के हार को क्या हो गया, ये चमक क्यों नहीं रहा और तो इतना हल्का क्यों लग रहा है मुझे। इस तरह का हार तो रानी कभी के पास भी है, ऐसा तो नहीं कि रानी कभी ने अपना बेकार हार मेरे अच्छे हार से बदल दिया हो। मुझे जाके पूछना पड़ेगा रानी कभी से। मीनू चिड़िया फौरन रानी कभी के पास जाती है और वे जब रानी कभी के पास आती है, रानी कभी के गले में पड़ा सोने का हार चमक रहा होता है। वो ये देखकर समझ जाती है कि ये हार वे उसका ही है। रानी कभी, तुमने अपना कल रात बेकार हार मेरे अच्छे हार से बदल दिया, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? लाओ लाओ मेरे सोने का हार वापसी करो। अरे अरे मीनू चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम हम पे इल्जाम नहीं लगा सकती बिना कोई सबूत के। ठीक है कालू कभी, मैं बहुत जल्द सबूत भी लेकर आऊंगी और तुम दोनों को चोरी करने के इल्जाम में सजा भी दूंगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोनों तो बहुत ही सादक चालाक है, उन दोनों ने अपना नकली सोने का हार मेरे असली सोने के हार से बदल दिया। अब मैं क्या करूँगी,
एक काम करती हूँ, मैं मिट्टू महाराज के एक सैनिक को कालू कौवे के घर लेकर जाती हूँ, देखना वे सब कुछ बदल देंगे। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज के एक सैनिक को लेकर कालू कौवे के घर के बाहर आती है। ये तभी उन्हें कालू कौवे और रानी कौवे की बातों की आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे आप पे पहले ही शक था कि आप मीनू चिड़िया को इतना महंगा हार जरूर चुराएंगे। अरे रानी ऐसा बोलो, अगर ये बात किसी ने सुन ली तो फिर मेरी खैर नहीं। अरे रानी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें असली सोने का हार ला कर दूंगा। बस अब तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें इतना महंगा सोने का हार ला कर दे तो दिया है ना, अब भले वो मीनू चिड़िया का हो या किसी का भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है। ये सारी बातें वे दोनों बाहर खड़े सुन रहे होते हैं और वे गुस्से में कालू कौवे और रानी कौवे के घर पे आते हैं। कालू कौवे, रानी कौवे, मैंने और उल्लू सैनिक ने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, अब कालू कौवे तुम्हारी खैर नहीं। फिर उल्लू सैनिक कालू कौवे को पकड़ कर ले जाता है और फिर मीनू चिड़िया भी अपनी असली सोने का हार लेकर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी की सजा हमें एक न एक दिन जरूर मिलती है।